एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक डिवाई में स्थित लक्ष्मीपुर गांव पड़ाव। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 50 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने नेत्रपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1285 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 336 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूल में लगभग 159 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 13 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिपेयर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 30 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 9 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 264 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान नेत्रपाल सिंह और मेरे यहाँ गांव लक्ष्मपुर ब्लॉक डिवाई थाना डिवाई जिला बुलंदशहर विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है। काम स्कूल का छत टूटी हुई है प्राइमरी की, उसमें इंटरलॉक होनी है, फील्ड में सड़क होनी है, सूर्य लाइट भी लगनी है और पंचायत घर बनना है, एक बारात घर बनना है और एक नाले की समस्या है पानी के लिए। काम इंटरलॉक कराए हमने, 7 आवास बनवाए हैं प्रधानमंत्री वाले और 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए हैं और ट्यूबलाइट 9 है और नल 13 हैं, उससे 64 शौचालय बन गए। नाली नहीं है, जगह नहीं है, ये मैदान चाहिए और रास्ता बनाई है हमने इंटरलॉक पा रहा है। सब विकास कैसे हो, विकास से ज़्यादा कम पैसा है कम